तो मास्क के अंदर से आपको आवाज़ तो आ रही होगी, इसके अंदर सांस लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता, और गर्मी से जो है ना बंदा लग जाता है, और आगे रोजे भी आ रहे हैं। तो मैं बाहर आया हूँ और आज हम एक नया प्रोजेक्ट करने लगे। फारिग था भी और कुछ करने को नहीं था, थोड़ी देर में वीडियो एडिटिंग करूँगा। आज मेरी नाइट शिफ्ट है, सो इस मैंने कहा कि आज ये काम जल्दी से कर लें। तो यूट्यूब पे मैंने देखा है कि घर में टमाटर और आलू कैसे उगाए जाते हैं, ये मैं काट के ले आया हूँ और अब इनको लगाते हैं, फिर आपको हम अपडेट रखेंगे कि कैसी प्रोग्रेस हुई है। हमारे पास काफ़ी जगह बहुत सारी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको गमले में ही लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी हमारे पास बड़े बड़े गमले पड़े, तो इनकी पहले सफाई करेंगे और इनके अंदर फिर प्लांटिंग करके देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। ओके, तो जी अब हम इसमें डालने लगे हैं थोड़ी सी खाद। ये यहाँ पे आम सुपरमार्केट से मिल जाती है, और इसका बस मकसद ये होता है कि थोड़ा सा जो है ना फर्टिलाइज़ हो जाए सॉइल। वैसे तो जो हमने खाद डाली हुई है वो भी रिसेंट ही थी, तो बस मैंने थोड़ी सी अंदर डालनी है और उसके बाद उसको मैं मिक्स कर दूँगा, और उसके बाद हम पहले टमाटरों के ऊपर तवज्जो देंगे और उनके बाद आलू। टमाटर लगाने के लिए जो मैंने तरीका देखा है उसमें तो बहुत सिंपल है, और वो ये है कि आप एक लेयर बनाएं इस तरह से करके उसमें लेयर लगाएं एक टमाटरों की। सिंपल, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इस पर, थोड़े फासले पे ताकि एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। और उनके ऊपर जो आपने लेयर लगानी है वो बहुत छोटी सी लगानी है, ठीक है, बस इतनी के टमाटर गायब हो जाए। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने खाद नहीं डाल देनी। इसी तरह आलू के लिए मैंने कहा कि दो गमले प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि आलू जो है उसका पौधा फैलता भी बहुत है, और फैलने के साथ साथ उसकी जड़ें उससे ज़्यादा फैलती हैं, इस वजह से आलू बहुत सारे इकट्ठे नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्ट्री टू पे टमाटर जो के पौधा ज़मीन से ऊपर आएगा, आलू का पौधा जो है वो ज़्यादा ज़मीन के नीचे फैलता है। और कभी दफ़ा ये दफ़ा तो ये भी हो सकता है कि ये गमला जो है काफ़ी ना हो, क्योंकि जड़ें बहुत नीचे जाके भी निकलती हैं। तो खैर अभी हम इसे गुजारा करेंगे, एक्सपेरिमेंटली है, मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया। और ये दफ़ा रिजल्ट्स देख लेंगे, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमने क्या यूज़ करना है इसको, आया बाहर ज़मीन में लगाएं या इन्हीं गमलों के अंदर। हमारे गमलों की मिट्टी फुल हो गई है, खाद थोड़ी कम पड़ गई थी, तो मैंने खाली जो गमले थे उनमें से थोड़ी सी मिट्टी फोरों की है, सोच रहा मिक्स कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गीली नहीं करनी, बिल्कुल हल्की सी, इतनी बस के थोड़ी सी उसमें गिलाहट आ जाए, लेकिन उसको आटे की तरह गूंदा जा सके, जैसे कि आप उसको सारा ही गीला कर दें, ठीक है। आलू इज़ अ ट्यूबर, ट्यूबर जो हैं वो अपने ही बलबूते पे ग्रो कर जाते हैं, थोड़ा सा उसको दबा दें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आलू के उगाने के लिए इसके अंदर आलू के अंदर ये चीज़ होना ज़रूरी है, इनको आईज़ कहते हैं या बड्स कहते हैं, इनके बगैर जो है आलू नहीं लगता। लग गए, ऊपर से बस पानी हल्का सा छिड़क दें और ये आपका आलू हो गया। हमने प्लान किया था कि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया कि आज हम बारबेक्यू करेंगे, और ये आप देख सकते हैं सामान सारा मेरे पीछे तैयार पड़ा है, बस अब कोयले गर्म करूँगा और उसके बाद फायर लाइट करते हैं। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे जो कोयला है वो इंस्टेंट लाइट कोल होता है, और इसमें आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, आप बस इसको अंगीठी में डालते हैं और आग लगा देते हैं, तो ख़ुद ब खुद ये जल पड़ता है। तो ना आपको बहुत दफ़ा तेल छिड़कना पड़ता है इसके ऊपर, और ना ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम चलता है।
आई जस्ट वेट फॉर दिस पेपर टू डिसअपीयर। जैसे ही कागज़ गायब होगा, कोयला जो है वो खुद ब खुद आग पकड़ चुका होगा, तो मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक हमारा कोयला गर्म होता है, हम थोड़ी सी सीखें बना लेते हैं। तो लेट्स सी, एक दफ़ा कोयला जब एक दफ़ा आपका गर्म हो जाए तो फिर आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसके लिए हम अपनी फर्स्ट आइटम जो हमने तैयार की रखते हैं अंदर। एक आइटम जो है हमारे बारबेक्यू का, वो हमेशा ये आलू होते हैं, जिनको हम ज़बरदस्त किस्म की हर्ब्स ला के कोकोने देते हैं। ये फॉइल के अंदर मैं ऊपर रख दूँगा और ये रोस्ट होते रहेंगे। और जी, अब हमने इनके ऊपर तेल लगा दिया है और अब ज़बरदस्त सा रोस्ट तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी सी और देंगे, थोड़ी सी और देंगे, कलर बहुत ज़बरदस्त हो गया। और देन वी विल स्टॉप। ये हमारा नेक्स्ट आइटम जो कि है टिक्का बोटी। पहले मैंने देखा था मलाई बोटी थी और ये टिक्का बोटी। ये इस तरह के मिलते होते हैं ग्रिल्स, जिनके ऊपर आप लगा सकते हैं, और इससे ज़बरदस्त ही हो जाता है कि आप आराम से बड़े से पलट सकते हैं। उनके हैंडल्स हैं, सब कुछ है, तो इजी हो जाता है। ऊपर हमारे आलू रोस्ट हो रहे हैं और साथ मैंने बोटियाँ जो हैं वो भी फॉइल में रखती हैं ताकि वो गर्म रहें। बस जी, तो ये सेकेंड आइटम ये हमारे तकरीबन हो गए हैं। बस हमारी आखिरी प्रोडक्ट जो है वो अब फिनिश हो चुकी है। थोड़ी सी रोस्टिंग चल रही है, पोटैटोज रोस्ट हो जाएं हमारे, तो अंदर जाते हैं और फिर ज़बरदस्त किस्म के रोल पराठे बनाएंगे और साथ बोटियां तोड़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलें फिर। बस फिनिश हो गया था और मैं बंद करके अंदर ही जाने वाला था, तो आइडिया आया कि क्यों ना चाय बनाई जाए। हमने कहा चाय को कौन ना कहता है, कोयलों के ऊपर चाय रखती है, अब चाय बन रही है। हाँ जी, तो बारबेक्यू हो गया है और बहुत ज़बरदस्त खाना था। अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा, लेकिन मज़ा ही आ गया आज तो। तो सीन ये है कि फिर काम पे जाना है अब, तो ऑब्वियसली काम की तैयारी तो करनी पड़ती है। तो काम की तैयारी में साथ एक और कोरोना का आजकल सीन चल रहा है, उनको अपना नया गैजेट दिखाना था जो मेरा आज ही आया, और वो है ये मास्क। और ये मास्क ऐसे काम नहीं करता, ये आपने देखा होगा, ये फायरमैन वगैरह पहनते हैं और अगर आपने इंडस्ट्रियल काम करना हो, लेकिन इसके आगे ये फ़िल्टर होना ज़रूरी होता है। तो ये पूरी असेंबली जो है, ओह नो, पूरी असेंबली इस तरह की बनती है। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ एक मिनट। तो मास्क के अंदर से आपको आवाज़ तो आ रही होगी, इसके अंदर सांस लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता, और गर्मी से जो है ना बंदा लग जाता है, और आगे रोज़े भी आ रहे हैं, तो इट विल नॉट बी ईजी। खैर, ये मैं उतारने लगूँ क्योंकि ज़्यादा देर मैं नहीं पहन सकता। तो अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम पे दे प्रोवाइड यू मास्क एंड एवरीथिंग, लेकिन मैंने एहतियातन वैसे ले लिया था कि अगर शॉर्टेज वगैरह होती है तो बंदा यूज़ कर लेता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको एहतियात करनी चाहिए। एनीवेज़, आज के लिए इतना ही, अभी मैं पैकअप करूँगा
तैयारी करूँगा, मैंने काम पे जाना है, ये पहन के नहीं जा रहा मैं। और इसको पहनना बहुत बड़ा अजाब है, अगर आप इसको घंटा भी पहन लेना तो आपके मुँह पे निशान पड़ जाते हैं। तो मुझे तो अगर पहनना पड़े तो इकट्ठे चार चार पाँच पाँच घंटे भी पहनना पड़ता है। तो अभी खैर शुक्र है दूसरे मास्क हैं, उनसे गुजारा हो रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसकी ज़रूरत ना ही पड़े। सी यू नेक्स्ट टाइम, मैं ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।